कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के बीजेपी के डीएनए के खोट वाले बयान को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी इसे लेकर लगातार हमले कर रही है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद राकेश सिंह ने करारा पलटवार किया है। लेकिन इससे पहले आपको सुनवाते हैं कमलनाथ का बयान, जिसमें उन्होंने भाजपा के डीएनए में खोट बताई। अंतर उनके डीएनए में है। वो बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, मुंह चलाना जानते हैं, पर जो उनका डीएनए जो खोट है, ये आज हमें जनता तक ये बात पहुंचाएंगे। नाथ के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। तेज तर्रार बीजेपी सुप्रीमो राकेश सिंह ने कमलनाथ के गढ़ में ही पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के डीएनए को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बीजेपी के डीएनए में खोट नहीं, बल्कि कमलनाथ की पार्टी की उत्पत्ति में ही खोट है। कार्यकर्ताओं की बैठक में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के डीएनए को किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। कमलनाथ जी की पार्टी की उत्पत्ति में ही दोष है, जिसकी उत्पत्ति के समय पे ही उसको समाप्त करने की बात हो, उस कांग्रेस के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। दरअसल राकेश सिंह छिंदवाड़ा में पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बयान दिया। कुल मिलाकर नाथ के गढ़ में राकेश सिंह की ललकार से स्पष्ट है कि मिशन 2018 में भाजपा छिंदवाड़ा में पैठ जमाने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, छिंदवाड़ा।